दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप कैसे फोटोज को पीडीएफ फाइल में कैसे सेव करके रख सकते हैं। तो अगर आपका कोई एल्बम है या फिर आप अलग अलग जगह पे जब घूमने जाते हैं, अलग अलग टूर में अलग अलग जो फोटो आपने क्लिक कर दे, उस फोटोज़ को आपके फ़ोन में डिवाइस में जो आप सेव करके गैलरी में रखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे जाने अनजाने में कभी कभी गैलरी से हम फोटो को डिलीट कर बैठते हैं और दोबारा उस फोटो को हमें नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर उस फोटोज़ को जो है पीडीएफ फाइल में सेव करके रखेंगे, अलग अलग टूर के लिए अलग अलग पीडीएफ फाइल बना के, तो जो है आपका फोटो उधर सेफ रहेगा। तो आप अगर अभी तक नहीं जानते कि कैसे जो है फोटोज को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके सेव करके रख सकते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैंने आपके साथ कंप्लीट जानकारी शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप आसानी से आपके फोटोज को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके सेव करके रख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मेरा नाम है मिथुन, आप देख रहे डिजिटल मिथुन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फोटोज़ को आप अगर पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको गूगल के क्रोम बाजार पर जाना होगा। आप अगर एंड्रॉयड यूजर है और आप अगर एक आईफोन यूजर है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स नाम का जो ब्राउजर है उसको आपको ओपन करना होगा। तो मेरा जो है आईफोन डिवाइस है, मैं डॉक्यूमेंट्स ब्राउजर का यूज करूंगा। तो जो प्रोसेस मैं अपनाऊंगा वही सेम प्रोसेस आप गूगल के क्रोम बाजार से भी करके जो है फोटोज़ को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट्स ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें इधर सर्च करना होगा स्मॉल पीडीएफ, स्मॉल पीडीएफ लिख के आपको सर्च करना होगा। स्मॉल पीडीएफ लिख के सर्च करने के बाद सबसे पहले जो आपको वेबसाइट दिख रहा है, इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो चलिए इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको जो है हमें फोटोज को जो है पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम देखेंगे कि जेपीजी टू पीडीएफ, तो हमें ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। इसमें आपको जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी, जीबी सारे फोल्डर से जो है मतलब फाइल्स से जो है पीडीएफ फाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो जेपीजी फाइल्स होते हैं फोटोज़ का ज़्यादा से ज़्यादा, तो चलिए हम इस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको चूज फाइल्स का ऑप्शन के बाजू में एक एरो दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसमें आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, जैसे फ्रॉम डिवाइस यानी कि आपके मोबाइल से आप अगर अपलोड करना चाहते हैं, या फिर फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स, या फिर गूगल ड्राइव। तो जिसमें से भी आपका जिसमें भी आपका फोटो है उस फोटो जो आप सिलेक्ट करना है। तो मेरा जो है मेरा फ़ोन के डिवाइस में ही है, तो मैं फ्रॉम डिवाइस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फोटो लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद जितना भी फोटो मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो मैं चार पाँच फोटो जो है सिलेक्ट कर लेंगे, चार फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये फोटोज़ जो है अपलोडिंग हो रहे हैं। तो हमने टोटल चार फोटो है पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि ये येलो लाइन जो है आगे बढ़ रहा है, यानी कि हमारा चार फोटोज अपलोडिंग चल रहा है। और उसके नीचे आपको कुछ सेटिंग दिखेगा, इधर आपको कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे A4 साइज, ऑटो, स्मॉल मार्जिन। इसमें आपको कुछ चेंजेस करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, ये जो नॉर्मल डिफॉल्ट रहता है यही बेस्ट मतलब ये रहता है। तो अपलोडिंग जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें नीचे जाना होगा। नीचे आप देखेंगे कि क्रिएट पीडीएफ के नाम का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद जो है जनरेटिंग हमारा पीडीएफ जो है तैयार हो गया है। उसके बाद आपको इस पीडीएफ का आपको डाउनलोड करना होगा। तो अगर आप एंड्रॉयड यूजर है, तो डाउनलोड फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके जो है आप इस पीडीएफ फाइल को आपके डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं। और आईफोन में डाउनलोड करने के लिए इस पर आपको क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने के बाद आपको डाउनलोड लिंक का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो फाइल का ये है वो उधर आ जाएगा। जैसे मैं इधर कुछ फाइल का नाम दे देता हूं, टेस्टिंग पीडीएफ। उस पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेस्टिंग पीडीएफ का 7 MB का जो फाइल है ये डाउनलोडिंग हो रहा है। और कुछ ही समय में जो है ये डाउनलोडिंग हो जाएगा। डाउनलोडिंग होने के बाद आपको दिखाएंगे कि इस पीडीएफ का हमारे डिवाइस में सेव हो रहा है, यानी ये सारे डेटाज आपको बताएंगे। तो थोड़ा हम इसके लिए इंतज़ार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइल है टेस्टिंग पीडीएफ, ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम इधर से क्लोज करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये फाइल हमारा कहाँ सेव हुआ है। तो उसके लिए आपके अगर एंड्रॉयड डिवाइस है तो जो है आप फाइल मैनेजर में जा सकते हैं, और मेरा भी फाइल मैनेजर में ही जाना है। उसके बाद हमारा जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र का नाम था डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का जो ब्राउज़र है उस पर हम क्लिक करेंगे फाइल्स में। उसके बाद उसके अंदर जो डाउनलोडिंग का फाइल होगा, डाउनलोडिंग का फाइल के अंदर हम टेस्टिंग पीडीएफ नाम के फाइल को ढूंढेंगे। तो चलिए हम सर्च कर लेंगे इधर टेस्टिंग पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स में रहेगा ये फाइल, शायद डाउनलोड्स में रहेगा सर, डाउनलोड में हम सर्च करेंगे। अगर इधर से नहीं मिलते तो हम रिसेंट पर क्लिक करके हम उसको मैनुअली ढूंढ लेंगे इधर से, टेस्टिंग पीडीएफ।
तो आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग पीडीएफ अभी का जो हमने क्रिएट किया है इधर आ गया 7.3 MB का। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने जो चार फोटो मतलब कन्वर्ट किया था, तो अब 1, 2, 3, 4 फोटो जो है हमारा कन्वर्ट हो गए पीडीएफ फाइल में। तो इसको जो है हमें अगर डाउनलोड करना है तो इधर से भी आप किसी को इधर को भेज सकते हैं, या फिर सेव टू फाइल पर क्लिक करके भी आप अपने डिवाइस में मतलब सेव करके रख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप या फिर मेल में भी किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है आपके फ़ोन से ही किसी भी फोटोज़ को जो पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके सेव करके रख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगा, और इस जानकारी से जुड़े हैं आपके कोई सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और आने वाले समय में इसी तरह के नए नए वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।